चलिए बात करते हैं दो कंफ्यूजिंग स्टेट की। पहली कंडीशन जिसमें आप अपनी गाड़ी लेके कहीं गए हैं, आप कहीं किसी काम से बाहर गए और वापस आप अपनी कार में आके बैठे हैं, और यह स्पेस जो है बड़ा क्लोज स्पेस है, यानी कि आसपास बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है जहां आपको बड़ी बारीकी से अपनी कार को निकालना है। यहां गाड़ी स्टार्ट करते वक्त सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आता है कि यार मेरी गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स है वो लेफ्ट में मुड़े हुए हैं या राइट में मुड़े हुए हैं, तो यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए आप अपना शीशा नीचे उतारते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि ओ मेरे व्हील्स किस दिशा में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप किसी और की गाड़ी लेके गए हैं, यहाँ आपको पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि इसका फ्यूल टैंक का ढक्कन लेफ्ट में है या राइट में है। अक्सर हम इस कन्फ्यूजन में उलझ जाते हैं कि यार मेरी कार का जो फ्यूल टैंक है वो लेफ्ट में है या राइट में है। दोनों ही कंडीशन और दोनों ही कंफ्यूजिंग स्टेट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। बात करते हैं हमारी पहली सिचुएशन की जिसमें हमारे फ्रंट व्हील्स जो हैं वो मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आप अंदर से कैसे जज कर सकते हैं कि आपके व्हील्स मुड़े हुए हैं या नहीं। जैसे ही आप अपनी सीट पर आके बैठते हैं तो किसी भी कार में, चाहे वो कोई सी भी कार हो, उसका जो डैशबोर्ड है और आप उसके स्टीयरिंग को देखें, आपको उसके अलाइनमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए अगर ये जो स्टीयरिंग है वो पीछे के जो डैशबोर्ड के अलाइनमेंट से मैच नहीं खा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, देखें आप इस डिजाइन को ध्यान से देखें। और अब मैं इसको टर्न करता हूं, पीछे के आप जो डैशबोर्ड के डिजाइन है आप इस स्टीयरिंग को देखिए, ऑब्जर्व करते रहिए। मैं आपको अंदर से बता सकता हूं कि ये अभी जो व्हील्स हैं वो सीधे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर मोमेंट आएगा यहां, अब आप अपने डैशबोर्ड के डिजाइन को देखिए पीछे बैकग्राउंड में, यहां मैं आपको क्लोज दिखाता हूं, ये जो पीछे की तरफ जो डिजाइन है वो स्टीयरिंग के इस वाले डिजाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच खाएगी। देखिए आप यहां ये जो स्टीयरिंग की जो डिजाइन है वो यहाँ पर डैशबोर्ड के डिजाइन से बिल्कुल प्रोपोर्शनेट यहाँ पे मालूम होती है। एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहाँ अब आपके टायर बिल्कुल सीधे हैं। जरा चेक करते हैं कि इस सिचुएशन में हमारे टायर अभी सीधे हुए हैं या नहीं। अब बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो टायर से बिल्कुल सीधे हैं। चाहे दोस्तों कार कोई सी भी कंपनी की हो, लेकिन आपको ये अरेंजमेंट आपको हर कार में देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने स्टीयरिंग के साथ डैशबोर्ड को मैच करके देख सकते हैं कि आपके जो फ्रंट व्हील्स हैं वे सीधे हैं या टेढ़े। बात करते हैं हमारे कंफ्यूजन नंबर टू की। फिलहाल जो कार मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं उसका जो फ्यूल टैंक है, उसका जो ढक्कन है, वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो कभी भी मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान है कि यहाँ पे इसका जो फ्यूल टैंक है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन क्या मैं यहाँ ड्राइविंग सीट से ही पता कर सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ आप देखें इस जगह जो हमारे यहाँ पे जो कंसोल है, और यहाँ इस जगह देखें आप जो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर के पास में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा साइन है और देख सकते हैं इसके साथ में एक एरो बना हुआ है। हमेशा चाहे वो कोई सी भी कार हो, जब भी यहाँ जहाँ फ्यूल इंडिकेटर होगा वहां पे एरो बना होता है। ये एरो हमें दिखाता है कि ये जो हमारे फ्यूल का जो ढक्कन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में मेरे जो फ्यूल टैंक है, यहाँ पर जो इंडिकेटर है, इस वक्त जो एरो बना हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये एरो राइट हैंड साइड में होता तो बिना बाहर देखे, बिना कंफर्म किए हम बता सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल का जो ढक्कन है वो राइट हैंड साइड में है। तो बड़ी आसानी से आप ड्राइविंग सीट से ही पता लगा सकते हैं कि आपका फ्यूल टैंक राइट में है या लेफ्ट में है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहे और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।